तुम मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो। बहुत बार इस सेंटेंस को भी हम फेस कर लेते हैं, तो इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, वाई आर यू आफ्टर मी विद ऑल योर हार्ट। वाई आर यू आफ्टर मी विद ऑल योर हार्ट। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वॉट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। वॉट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। तुम मेरी जान लेने पर क्यों तुले हुए हो। वाई आर यू बेंट ऑन किलिंग मी। वाई आर यू बेंट ऑन किलिंग मी। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। आई नेवर सेड अ वर्ड टू एनी वन। आई नेवर सेड अ वर्ड टू एनी वन। वो हमारे साथ चाल खेल रहा है। हिज ट्रिकिंग अस। हिज ट्रिकिंग अस। तुम्हारा ध्यान कहाँ है। वेयर इज़ योर फोकस। या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, वेयर इज़ योर अटेंशन। अचानक से मेरे लिए उसका प्यार उमड़ आया। उमड़ आया मतलब उसके मन में अचानक से मेरे लिए प्यार आ गया। तो इसके लिए बोलेंगे, सडनली हर लव फॉर मी ब्रिम्ड ओवर। सडनली हर लव फॉर मी ब्रिम्ड ओवर। ब्रिम ओवर यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा भर जाना। मुझे मस्का मत लगाओ। डोंट बटर मी अप। डोंट बटर मी अप। मैं अपने घर वालों का नाम रोशन करूँगा। आई विल ग्लोरीफाई द नेम ऑफ माई फैमिली। आई विल ग्लोरीफाई द नेम ऑफ माई फैमिली। मैं अपनी बहन के लिए एक तोहफा ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर द प्रेजेंट फॉर माई सिस्टर। आई एम लुकिंग फॉर द प्रेजेंट फॉर माई सिस्टर। तुम जल्दी में लग रहे हो। यू सीम टू बी इन हरी। यू सीम टू बी इन हरी। क्या तुम उस लड़की को जानते हो। डू यू नो दैट गर्ल। डू यू नो दैट गर्ल। ज़्यादा से ज़्यादा वह 18 साल की है। शी इज़ 18 एट मोस्ट। शी इज़ 18 एट मोस्ट। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। वी आर सो ब्लेस्ड दैट यू हैव कम टू आवर हाउस। वी आर सो ब्लेस्ड दैट यू हैव कम टू आवर हाउस। तुम्हारी वजह से मुझे ये सहना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो थ्रू दिस बिकॉज ऑफ यू। आई एम हैविंग टू गो थ्रू दिस बिकॉज ऑफ यू। मैं इन पलों को यादगार बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ना मेक दीज मोमेंट्स मेमोरेबल। आई वॉन्ना मेक दीज मोमेंट्स मेमोरेबल। मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर लविंग मी सो मच। थैंक्स फॉर लविंग मी सो मच। तुम अपनी आदत से मजबूर हो। यू आर कंपेल्ड बाय योर हैबिट। यू आर कंपेल्ड बाय योर हैबिट। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक। आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। नो वन इज़ हियर फॉर एनी वन। नो वन इज़ हियर फॉर एनी वन। मैं पीछे नहीं हट सकता। आई कांट स्टेप बैक। आई कांट स्टेप बैक। उसकी मनचाही ज़रूरतों को पूरा मत करो। डोंट इंडल्ज हिम। डोंट इंडल्ज हिम। मैं उसको पाने के लिए जी जान लगा दूंगा। आई विल फाइट टू द नेल टू गेट हर। आई विल फाइट टू द नेल टू गेट हर। एक समय में एक ही काम करो। डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम। डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम। मुझे ये काम खुद ही करना पड़ा। आई माई सेल्फ हैड टू डू दिस वर्क। आई माई सेल्फ हैड टू डू दिस वर्क। हमने हमारी लड़ाई को ख़त्म कर दिया है। वी हैव कॉम्प्रोमाइज्ड। वी हैव कॉम्प्रोमाइज्ड। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। आई विल हैंडल यू ओवर टू पुलिस। आई विल हैंडल यू ओवर टू पुलिस। वह बिना बताए हमेशा मेरा दुख समझ जाती है। शी ऑलवेज नोज व्हेन आई एम सैड विदाउट बीइंग टोल्ड। शी ऑलवेज नोज व्हेन आई एम सैड विदाउट बीइंग टोल्ड। मैं जल्दबाजी में उसे बाय बोलना भूल गया। I forgot to say bye to her in haste. I forgot to say bye to her in haste. बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। A bad deed has a bad result. A bad deed has a bad result. तुम्हें चाय पीने से परहेज करना चाहिए। You should abstain from having tea. You should abstain from having tea. हमेशा मेहनत की खाओ। Always eat with earning. Always eat with earning. मैं अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप माई वर्ड्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप माई वर्ड्स। मुझ पर अपनी धौंस मत जमाओ। डोंट बॉस मी अराउंड। डोंट बॉस मी अराउंड। इसका मतलब कुछ गलत होने वाला है। इट मीन्स समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन। इट मीन्स समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन। बाहर लू चल रही है। हीट स्ट्रोक इज़ ब्लोइंग आउटसाइड। हीट स्ट्रोक इज़ ब्लोइंग आउटसाइड। तुम्हारा चुटकुला बहुत हास्यप्रद था। योर जोक वॉज हिलेरियस। योर जोक वॉज हिलेरियस। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस। आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस। मेरी उल्टी आँख फड़फड़ा रही है। माई लेफ्ट आई इज़ ट्विचिंग। माई लेफ्ट आई इज़ ट्विचिंग। मुझे अपना दोस्त बना लो। बिफ्रेंड मी। बिफ्रेंड मी। कृपया मेरी खुशी के लिए मान जाओ। प्लीज़ अग्री फॉर माय सेक। प्लीज़ अग्री फॉर माय सेक। मैं उसे सारी खुशियाँ दूंगा। आई विल शावर ऑल हैप्पीनेस ऑन हर। आई विल शावर ऑल हैप्पीनेस ऑन हर। ओह ऐसा क्या। ओह इज़ दैट सो। ओह इज़ दैट सो। सुबह सुबह तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया। यू स्पॉइल्ड माय मूड सो अर्ली मॉर्निंग। यू स्पॉइल्ड माय मूड सो अर्ली मॉर्निंग। मेरे दुख का कारण वो लड़की है। दैट गर्ल इज़ द रीज़न ऑफ माय सफरिंग। दैट गर्ल इज़ द रीज़न ऑफ माय सफरिंग। किस हैसियत से तुमने मेरा हाथ छुआ। इन व्हाट कैपेसिटी डिड यू टच माय हैंड। इन व्हाट कैपेसिटी डिड यू टच माय हैंड। मुझे तुम्हारे जैसे मतलबी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड अ सेल्फिश फ्रेंड लाइक यू। आई डोंट नीड अ सेल्फिश फ्रेंड लाइक यू। तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो। यू डोंट डिज़र्व टू लिव विद मी। यू डोंट डिज़र्व टू लिव विद मी। मैं उससे पहली बार मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हूँ। आई एम सो ईगर टू मीट हर फॉर द फर्स्ट टाइम। आई एम सो ईगर टू मीट हर फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं तुम्हारे लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू योर मैटर। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू योर मैटर। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। गाइज आपके लिए होमवर्क है। आपके सामने दो सेंटेंसेज हैं। फर्स्ट वन इज़ मेरी दाईं आँख फड़फड़ा रही है एंड सेकंड वन इज़ धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। तो इन दोनों सेंटेंसेस को मैंने इसी वीडियो में लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।